स्टूडेंट्स लेट एस डिस्कस टू वेरी वेरी सिंपल एग्जाम्पल्स ऑफ यूजर स्टोरीज पहले यह देख लें कि जो जर्नल गाइडलाइंस हैं जब आप यूजर्स स्टोरी लिखने जा रहे हैं अगर जर्नल गाइडलाइंस में आपको बताना चाहूं तो आप अमूमन ये लिखते हैं कि एज आ यानी जो आपका रोल है एज आ एंड यूजर एज अ एडमेन एज अ डिवेलपर यानी रोल आप लिखते हैं आई वॉन्ट टू उसके बाद फ्यूचर का नाम आप लिख देते हैं सो so दैट उसके बाद रीजन ये एक जनरल सा नॉर्मल क्लेचर है क्या आप बताएं कि कौन ये बनवाना चाह रहे यूजर स्टोरी फीचर है यानी रिक्वायरमेंट क्या है और क्या रीजन है बनाने की अमूमन प्रोसेस ये होता है कि जब आपको यूजर स्टोरी आपके पास आती है देन यू डिस्कस इट अमंग योर एंड देन यू फाइनलाइज इट यानी रिक्वायरमेंट गैदरिंग जो है वो एक्चुअली यूजर स्टोरी जब लिखी हुई आपके पास आती है उसके बाद स्टार्ट होती है तो फॉर एग्जाम्पल हमारी एक यूजर स्टोरी है कि एज अ यूजर आई वॉन्ट टू इम्पोर्ट अ प्रोडक्ट पिक्चर्स फ्रॉम अदर ई कॉमर्स स्टोर सो दैट साइट ट्रैफिक एंड कोलेबरेशन इंक्रीजेस यानी ये एक बेसिक सी यूजर स्टोरी है इसमें कोई टेक्निकल टर्मिनोलॉजी नहीं है कोई टेक्निकल डिटेल्स नहीं है इसके अंदर कौन ये यूजर स्टोरी बनवाना चाह रहा है वो यूजर है वो सिंपल ये कह रहा है कि फॉर एग्जांपल मेरी एक वेबसाइट है uh, ए बी सी डॉट कॉम उसके अंदर मेरे पास कुछ प्रोडक्ट की लिस्टिंग है अब टू तो इंक्रीज माई प्रोडक्ट लिस्टिंग मैं किसी दूसरी वेबसाइट या किसी ई कॉमर्स की वेबसाइट से कुछ तो उस वेबसाइट से प्रोडक्ट इंपोर्ट करके अपनी वेबसाइट पर डिस्प्ले करना चाह रहा हूं ताकि मेरी जो तो वेबसाइट है उसकी ट्रैफिक इंक्रीज करे तो ये एक, एक सिंपल यूजर स्टोरी है ये एंड यूजर को भी समझ आ रही है और टेक्निकल टीम को भी समझ आ जाएगी एग्जांपल टू एज एन एडमिनिस्ट्रेटर यानी ऊपर वाला नोम ले लिखा हुआ है एज ए रोल एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आई वॉन्ट टू अप्रूव पिक्चर बिफोर दे आर पोस्टेड सो दिन मेक श्योर दे आर अप्रोप्रिएट मतलब यूजर तो एज अ यूजर में यानी मैं एंड यूजर हूं मैं दूसरी वेबसाइट से पिक्चर इंपोर्ट करना चाह रहा हूं लेकिन जो जिस वेबसाइट पर डिस्प्ले करना चाह रहा हूं उस वेबसाइट के अंदर एक रूल लगा हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल मैं एमजोन से कोई पिक्चर इम्पोर्ट की और अपनी मेरा अकाउंट था एक्स वाई जी डॉट कॉम के ऊपर उसके ऊपर मैंने पिक्चर अपलोड की अपने प्रोडक्ट की लेकिन अपलोड की जो अप्रूवल है वो एक्स वाई जी डॉट कॉम का जो एडमिन है वो जब तक नहीं देगा तो मेरी पिक्चर्स यानी जो प्रोडक्ट की पिक्चर्स हैं वो अपलोड नहीं होंगी एडमिन क्यों ज़रूरी है एट टाइम ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल जहाँ से पिक्चर आपने इम्पोर्ट की है वहाँ इम्पोर्ट तो सही हो गई है जब आप अपलोड करने जा रहे हैं तो उसके अंदर कुछ क्वालिटी के इश्यूज़ आ गए हैं या पिक्चर के पिक्सल सही नहीं आए या वो क्रॉप सही नहीं हुई या उसकी क्वालिटी लॉस हो गई है रीज़न जब आप फाइल या इमेज किसी दूसरी वेबसाइट से इंपोर्ट करते हैं और यानी आप डाउनलोड कर रहे हैं तो देयर इज़ अ चांस के जो पिक्चर है उसकी क्वालिटी कुछ लॉस हो जाए और जब आप अपलोड कर रहे हैं तो इट इज़ अगेन अ प्रोसेसिंग तो इंटरनेट की स्पीड इमेज की क्वालिटी कितने पिक्सल्स का इमेज है किस तरह का इमेज है यानी जे है पी एन जी है हर एक के डिफरेंट आपके पास क्राइटेरिया होते हैं तो टू बी ऑन सेफ साइट जो एडमिन है वेबसाइट का वो ये इंश्योर कर रहा है कि अनलेस एंड अनटिल दिस पिक्चर इज अप्रूव बाय मी यानी एडमिन दिस पिक्चर विल नॉट गेट पोस्टेड सो दीज टू आर वेरी सिंपल बट वेरी बेसिक एंड यूजफुल एग्जाम्पल ऑफ यूजर स्टोरीज